मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्रोडक्ट प्राइस परफेक्ट कंपटीशन जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उस मार्केट इक्विलिब्रियम में डिमांड एंड सप्लाई रोल प्ले करता है जब आप डिमांड की बात करते हो तो डिमांड बेसिकली क्रिएट्स फ्रॉम द फ्रॉम द बायर्स इन द मार्केट दैट इज द बायर्स दैट क्रिएट डिमांड फॉर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मेरे पास क्या हो सकती है

तो मेरे पास हो जाएगी दैट इज द मार्केट डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर आउटपुट और जब आप अब ये जो जो भी मार्केट डिमांड है यहां पे हम कई दफा बात करते हैं डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इलास्टिक इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक और ये भी आपको कुछ आइडिया होगा कि इलास्टिक में हम बात करते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस और जब आप यूनिट की बात करते हो हम वहां पे कहते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस और जब आप इन इलास्टिक की बात करते हो हम कहते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस और ये जो इलास्टिसिटी है इट हैज समिमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बेसिकली ये इन्फ्लुएंस करेगा अबाउट चेंज इनियम प्राइस एंड क्वानिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन सप्लाई और जब आप सप्लाई की बात करते हो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाई फार्मर अगेंस्ट डिफरेंट प्राइसेस जब आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करोगे वहां पर सप्लायर क्या होगा सप्लायर ए आर द फार्मर्स और यहां पर भी आपके पास दो तरह की सप्लाई होगी वंस इज इंडिविजुअल सप्लाई एंड अदर वन इज मार्केट सप्लाई विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस बाई पर्टिकुलर फार्मर हम उसे कहेंगे दिस इज द इंडिविजुअल सप्लाई फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट एंड बाई एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ द फार्मर्स ऑफ ऑल द फार्मर्स इन द मार्केट मेरे पास जो आ जाएगी दैट इज द मार्केट सप्लाई अगर हम एसोसिएशन की बात करें

इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तब आप क्या कहोगे फॉर दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाई दार्केट इक्म किस बेस पे होता है कि और अगर मार्केट में डिमेंड इज इक्वल टू सप्लाई हो जाए तब हम कहते हैं कि मार्केट इज इन इक्ब्रियम देर इज ना इधर शॉर्टेज और सरप्लस और इट माइट भी पॉसिबल के मार्केट में डिमेंड इज लेस देन सप्लाई हो तब हम क्या कहते हैं कि देयर इज अरपलस और जब इफ देर इज अरपलस देअर इज अटेंडेंस इन द मार्केट कि प्राइसेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विल डिक्रीज और इसी पैटर्न पर जब आप कहते हो कि डिमेंड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सप्लाई तो हम तब कहते हैं देर इज अ शॉर्टेज इफ देर इज अ शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन द मार्केट तो अल्टीमेटली क्या होगा देर इज इंक्रीज इन मार्केट प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल आउटपुट और इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्राइस इज अंडर परफेक्ट कंपिटिशन सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल जब आप फार्मर सप्लाई अब यहां पे भी क्या होगा देर आर टू टाइप्स ऑफ के फार्मर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय इंडिविजुअल फार्मर्स और जब आप यहीं पे हम फिर बात करेंगे अबाउट मार्केट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ये मार्केट सप्लाई आप कैसे अपटेंड करते हो बाई एग्रीगेटिंग सप्लाई ऑफ ऑल द फार्मर्स ट आर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल आउटपुट इन द मार्केट अगर हम इस सारे समराइज कर दें कि यहाँ पे जो आपका डिटर्मिनेशन होगा आपकी मार्केट इन मार्के, इन प्योरली कंपिटेटिव मार्केट इन परफेक्टली कंपिटिव मार्केट वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और जिस जगह पे डिमेंड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो जाएगा इन द मार्केट में उस वहां पे क्या होगा वहां पे जो प्राइस प्रिवेल करेगी हम उसे कहेंगे दैट इज दिब्रियम प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और अगर वहां पे परिब्रियम प्रिवेल करेगा देन क्या होगा देयर इज स्टेबिलिटी इन दी स्टेबिलिटी इन दी मार्केट कि ना तो आप कह लें प्राइस इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी बट इट अगर वहां पे सरप्लस हो जाएगा तो देन क्या होगा देयर इज अटेंडेंसी ऑफ डिक्रीज इन प्राइसिस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट और अगर वहां पे शॉर्टेज होगा देन क्या होगा देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन द मार्केट